कि वो सब कर्म जो आपने अभी तक किए हैं ज्ञान की प्राप्ति के समय तक, पिछले जन्मों में या इस जन्म में, जिनके प्रभाव शुरू हो चुके हैं, उनको नष्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है संयम। संयम, संयम सभी विषयों में, सभी डिसिप्लिन्स में, सभी अनुशासन में सबसे कठोर और महत्वपूर्ण है, सबसे मजबूत है। उसके माध्यम से जो प्रभाव कर्मों के शुरू हो चुके हैं ज्ञान की प्राप्ति के समय, उनको भी नष्ट किया जा सकता है। और संयम क्या है? संयम एक त्रय है, एक ट्रायड है। जैसे आपने कैमरा देखा होगा, कैमरे का ट्राइपॉड होता है, तीन टांगों पे खड़ा होता है, तो संयम एक त्रय है। और उस त्रय की एक टांग धारणा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों टांगें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयम सबसे कठोर अनुशासन है। धारणा का क्या मतलब है, क्या अर्थ है धारणा का? धारणा का अर्थ है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, केंद्रिता, केंद्रित होना, फोकस। कहने में ये शब्द आसान लग सकते हैं, एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और केंद्रिता। लेकिन जब तक हम यह पहली टांग पूरी नहीं करेंगे, तब तक दूसरी टांग संभव नहीं है। दूसरी टांग क्या है? दूसरी टांग है ध्यान, मेडिटेशन। और ध्यान कभी संभव नहीं हो सकता अगर एकाग्रता ना हो, दृढ़ संकल्प ना हो और केंद्रिता ना हो। तो दूसरी टांग के लिए पहले पहली टांग को पूरा करना जरूरी है। तो दूसरी टांग ध्यान। और जब ध्यान में आप लीन होना शुरू हो जाते हैं, तो एक अवस्था आती है, उसे कहते हैं तीसरी टांग। और तीसरी टांग है समाधि। समाधि मतलब अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जहां आप स्वयं को भूलकर कहीं और लीन हो जाते हैं और आपको अपने शरीर तक का भान नहीं रहता, उसका ध्यान नहीं रहता। और इन तीन टांगों पर खड़ा है संयम। इसीलिए संयम सबसे कठोर नियम है, सबसे कठोर अनुशासन है। लेकिन महत्वपूर्ण स्टेप है, आपको सिर्फ पहला और नौवां करना है, पहले के बाद आठ, आठवें के बाद नौवां भी खुद ही होगा, आपको करना नहीं होगा। आपकी जागृति, आपका अनुशासन, आपकी चेतना वो आपसे करवाएगी, इसलिए ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद होगा। लेकिन महत्वपूर्ण है संयम। जिन कर्मों के प्रभाव ज्ञान की प्राप्ति के समय शुरू हो चुके हैं, उनको भी नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि कर्म शाश्वत नहीं है, उनके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते आप इस जीवन में दृढ़ संकल्प के साथ, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, एकमात्र मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो मुक्ति के लिए ये रास्ते, नौ चरण
जिसमें से सिर्फ पहला चरण आपको करना है, बाकी सब खुद ब खुद होते चले जाएंगे। नौवें चरण में सिर्फ आपको ध्यान रखना है संयम का, कि अगर वो समय ऐसा है कि आपके कर्मों के प्रभाव शुरू हो चुके हैं, आपका माइंड आपका मन डगमगा रहा है, तो प्रभाव शुरू हो चुके हैं, उसका ज्ञान जरूरी है। और उस समय सिर्फ आपको संयम बरतना है। संयम एक त्रय है, धारणा ध्यान और समाधि का। एक टांग दूसरे पे, दूसरी तीसरे पे, तीनों, तभी बैलेंस होगा, तभी अनुशासन होगा, तभी नियम होगा। तो ये नौ चरण आपकी मुक्ति के लिए, और जीवन मुक्ति जो कि अल्टीमेट डिजायर है, अल्टीमेट एम है, सबसे बड़ी इच्छा है मोक्ष की, इस देह में दोबारा ना आने की, इस देह की तकलीफों को दोबारा ना झेलने की, परमात्मा में सम्मिलित होने की, समाहित होने की, उस ब्रह्मांड में उसी का रूप बन जाने की, वो ऑटोमेटिक अपने आप खुद ब खुद आपको फॉलो करेगी, आपका पीछा करेगी। आप मुक्ति लीजिए, जीवन मुक्ति स्वयं चल के आएगी।